हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात कर रहे हैं धन लाभ के लिए पीपल के पत्तों के उपायों के बारे में। पीपल का पत्ता हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। पीपल का एक पत्ता ले लें, उसे अच्छी तरह से साफ कर लें और इसमें थोड़ा गंगा जल डालें। इस पत्ते में एक चुटकी हल्दी लगाएं और इसे घर में माता लक्ष्मी के तस्वीर के सामने रख दें। पत्ते को एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार के दिन तक यानी 7 दिन तक माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद घर की तिजोरी में रख लें। ज्योतिष की माने तो पीपल का एक पत्ता आपके घर की सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि आप बहुत दिनों से नौकरी के लिए परेशान हैं और मेहनत करने पर भी सफलता हासिल नहीं हो रही है तो मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लें और इसमें चंदन से श्री राम का नाम लिखें। इसके बाद इन पत्तों को किसी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। इससे आपको बहुत जल्दी ही अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। किसी शुभ काम के लिए घर से निकलने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो आप मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लें और इसमें पीला सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर रखें। इस पत्ते को हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इस सिंदूर का टीका माथे पर लगाएं। इस उपाय से जल्द ही आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। अगर आपके पर्स में ज़्यादा पैसा नहीं टिकता है तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ें और इसमें चंदन से माता लक्ष्मी का नाम लिखें। इस पत्ते को घर के मंदिर में रख दें और एक हफ्ते बाद यानी अगले मंगलवार के दिन इस मंदिर से उठाकर अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके हाथ से व्यर्थ का पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा और आर्थिक लाभ भी होगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको धन लाभ के लिए पीपल के कई उपाय बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।